मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। अच्छा, तो पहले क्या रिश्ता था? पहले जो भी रिश्ता था उसे लेकर मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी थी, लेकिन अब तो वो घटिया इंसान है जिसने अपने मुकद्दस रिश्ते का भी पास ना रखा। अच्छा, और तुम कितनी दूध की धुली भी हो, ये तो मुझ समेत सब जानते हैं। हाँ, कैसे तुम फवाद के साथ चुप चुप कर गाड़ी में घुमा फिरा करती हो, और मैंने जरा सी दिल लगी क्या कर ली, लगी बिल्ली की तरह पंजा मारने। वाह, मुझे आपकी इन घटिया बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपसे दिल लगी तो दूर, मैं आपके मुंह भी नहीं लगना चाहती। अरे तो किसने कहा है कि मुंह लगो? यार, मुझे तो इस थप्पड़ का हिसाब तो तुझे पिए जा रहे हैं और आप खाए नहीं। भाई खाइया जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही कुछ खाया है, आप लोग लीजिए। क्या ये मैं और ले लूं? अच्छा, तुझे भी दूंगी ला। कमो, कबाब सिक गए हो तो लेती हुई आ जाओ। इसमें क्या है? चुप हो जाओ सेना। मिसेस बिलगरामी के कहने से क्या होता है, मैं तो जानता हूँ ना। नहीं यासिर, आप कुछ नहीं जानते। अगर आप वहां होते तो आपको पता चलता कि किस तरह मिसेस बिलगरामी मुझे ताने दे रही थी कि मैंने उन्हें उम्मीद के बारे में क्यों नहीं बताया, और आज मैं किस बात पे उनसे गिला कर रही हूँ। यासिर, मेरा तलाक लेना मेरे लिए इतना बड़ा गुनाह हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी बच्ची की जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दी। मुझे यही बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैंने अपनी बच्ची की जिंदगी में जहर घोल दिया। क्या सोचती होगी मेरी बच्ची के कैसी माँ मैं उसकी। तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो, क्यों उल्टा सीधा सोच रही हो तुम? और फिर उम्मीद तो जानती है ना कि तुम बेकसूर हो, हालात और किस्मत तुम्हारे हक में नहीं थे। मगर दुनिया तो आज तक यही समझती है ना कि मैंने अपने मुफाद के लिए सलीम को छोड़ा और आपसे शादी की, क्योंकि मुझे ये दौलत ये पैसा चाहिए था। दुनिया इंसान को किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देती। अगर तुम सलीम के साथ भी रहती तो भी तुम्हें लोग ये कह कह के सताते कि तुम्हारा शौहर कुछ नहीं करता, और न जाने क्या क्या दूसरी बात है। इसलिए बेहतर यही है कि दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, उम्मीद के बारे में सोचो। देखो मैं उसके लिए क्या क्या चीजें लेकर आया हूँ, कल कल हम दोनों साथ चलेंगे, ये सारी चीजें उसे
तोहफे में दे देना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बच्ची खुश भी है या नहीं इस शादी से। आपने देखा था ना कितनी खामोशी थी मेरी बच्ची की आंखों में। क्या ऐसी शादी की खुशी होती है कि दुल्हन के चेहरे पे कोई रंग कोई रूप ही ना हो। मुझे याद है इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे मुझे उम्मीद से मिलवा दे। मैं उससे मिलके जानना चाहती हूँ कि वो इस शादी से खुश भी है कि नहीं। लेकिन फिर उसने साफ कह दिया था कि वो अपने बाप के हर फैसले पे खुश है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बच्ची किसी मुसीबत में पड़ने वाली है। कुछ करे याद प्लीज। लाल देव बहुत रात हो गई, हम कल चलते हैं। कल मैं ऑफिस से वापसी पे तुम्हें ले लूंगा, हम दोनों साथ चलेंगे। आप चलेंगे? हाँ चलेंगे, हम दोनों साथ चलेंगे। अच्छा आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मगर मामा इस वक्त। क्यों? इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकती? नहीं कर सकती हैं। मेरा मतलब है बारात लेट हो रही है और मुझे अभी तैयार भी होना है। देखो मेरी जान, मुझे तुम्हारे आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ बात करनी है। जी बोलिए। बैठो। देखो बेटा, तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हो। अगर शादी की पहली रात ही दुल्हन को ज्यादा छूट दोगे तो वो तुमसे उसी तरह हमेशा पेश आएगी। तुम नहीं जानते बेटा, ये औरतें ऐसी चालें चलती हैं कि मर्द भी हैरान रह जाता है और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में उनकी बीवी के अलावा कोई मासूम है ही नहीं। मैं समझा नहीं। बेटा मेरा कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि उम्मीद खराब लड़की है या चलाक है, लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि उम्मीद बहुत अच्छी लड़की है। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा और मेरा खून का रिश्ता है, जबकि उस लड़की से तुम्हारा निकाह होने वाला है और दर्जा हमेशा माँ का पहला होता है। मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बातें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसा दिन मुझे कभी ना दिखाए कि तुम अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी को अहमियत दो। मामा यकीन कीजिए, जिस तरह से मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है उम्मीद भी आपकी इसी तरह से इज्जत करेगी, बल्कि इससे भी ज्यादा। बहुत खूब, अभी से तुम्हें अपनी होने वाली बीवी पे यकीन आ गया? अभी तो तुमने उसके साथ एक दिन भी नहीं गुजारा। मामा आप खुद को इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रही हैं? नहीं बेटा नहीं, मैं इनसिक्योर फील नहीं कर रही, मैं तो बस तुम्हें समझा रही हूँ। अगर वो हमें प्यार करेगी, इज्जत से पेश आएगी तो इसमें उसी का भला है, वरना वो अपने हाथों से खुद अपना घर खराब करेगी। जी मामा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपने दिल से सारे वसवसे निकाल दें। ठीक है। अब अच्छा हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उम्मीद को मुंह दिखाई में कंगन देना चाह रही हूँ जो तुम्हारे बाबा ने मुझे दिए थे, हमारे खानदानी कंगन, वो तुम उसको दे देना। ठीक है मामा, कंगन आप मुझे दे दीजिएगा,
और वैसे भी आपको मैंने बताया था, मैंने उम्मीद के लिए डायमंड का ब्रेसलेट लिया था। रमीज, मैंने तुम्हें मना भी किया था और समझाया भी था, लेकिन इसका मतलब है तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। आप चाहती हैं कि मैं डायमंड का ब्रेसलेट उम्मीद को ना दूं? मैंने ऐसा कब कहा? बस अभी ये देने की जरूरत नहीं है, बाद में जब कोई अच्छा मौका आएगा, मैं दादी बनने वाली होंगी तो तुम खुशी से उसको दे देना, तब अच्छा भी लगेगा। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही हो। जीते रहो मेरे बेटा, तुम बैठो, मैं अभी कंगन लेके आती हूँ। कहना था आपने? देखिए उम्मीद, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैंने जब आपकी तस्वीर देखी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं कि आप मेरे साथ रिश्ते के लिए हाँ कह देंगे। देखें, मुझे बस ये पूछना है कि इस रिश्ते के लिए आप पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं, मतलब कोई दबाव? नहीं। इसका मतलब है ये शादी आप अपनी खुशी और मर्जी से करना चाहते हैं? जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। खाने का इंतजाम ठीक है ना? हाँ, मेरे हिसाब से तो ठीक है। तुम चेक करना चाहते हो, आ जाओ देख लेते हैं। हाँ चलो 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 लड़कियों, बारात आ गई, इस्तकबाल के लिए चलो, आ जाओ गुड़िया। तेरी कजन की तो लॉटरी निकल गई। अबे चुप कर, तो पहले से दिल जल रहा ना, एक तो पता नहीं सारा किया था राम माधव, पता नहीं क्या सूझी उस लंगड़े से शादी करवा दी। उसकी किस्मत खुल गई है, तुम लोगों ने उसका नौकरानी बना के रखा और वो रानी बन गई। रानी? यार तू चुप करेगा कि नहीं? दोस्त है या दुश्मन? बार बार तिल चलाने की बातें कर रहा। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुझे इतनी मिर्चे लग रही है? मिर्चे तो लगेंगी ना यार, प्यार करता था, पसंद करता था उससे मैं। पसंद करता था, है नहीं, गई जाने दे, बहुत आई नहीं, कोई और देख ले। चल तो ये भी तेरी ठीक है। चल चल चल। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा बेटा? बात सुनना बेटा, ये सारे घर वाले कहाँ हैं? जी ये लोग तो आज सलीम अंकल की बेटी की शादी है ना, ये लोग सब सनम गार्डन में। शादी? शासिर, आज मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे उसके पास चलना है, प्लीज चलिए उसके पास लेके। हक महर कितना हो गया? बहन जी, हक महर क्या होना चाहिए? आपका जो दिल चाहे वो रख लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, हक महर तो वो रखा जाता है जो अदा कर दिया जाए। मैंने कहा ना आपसे, आपका जो दिल चाहे वो आप रख लीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हक महर अदा कर सकते हैं।
हमें मेरा ख्याल है 10 लाख रुपए ठीक रहेगा। 10 लाख? मेरे ख्याल से 3 लाख बहुत रहेगा। क्यों सलीम भाई, क्या कहते हैं आप? बहन जी, मेरे ख्याल में हक पैर 32 रुपए 8 आने हो या फिर 3 लाख, हमें तो बस ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमेशा शाद और आबाद रहे। जी सही कहा आपने, मगर 3 लाख रुपए देना भी कोई आसान बात नहीं। हाँ, आप 3 लाख ही रखवा लीजिए। अंकल जो आप मुनासिब समझे। रमीश मियां, मेरा ख्याल है कि बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 3 लाख, 3 लाख ही मुनासिब रहेगा। जनाब रमीज वल अख्तर हुसैन उमीद बिनते सलीम अहमद का निकाह बावज हक महर 3 लाख रुपये सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। जनाब रमीज वल अख्तर हुसैन उमीद बिनते सलीम अहमद को बावज हक महर 3 लाख रुपये सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है, क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। बेटा क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। मैं दुल्हन का दस्तखत करवा दूँ। माशाल्लाह, मुबारक हो। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाजी। मुबारक हो मामू। बेटा ऐसे करो, मेरे साथ आओ, तुमसे एक बात करनी है। आओ। जी अब्बा। चले। इत। बेटा आज के बाद तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। बेटा बात तो पुरानी है लेकिन बात बहुत आजमाई हुई है। हर माँ बाप रुखसती के वक्त अपनी बेटी को यही कहते हैं कि अब तुम्हारे ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए। बस बेटा तुम्हें याद कराना है, कभी भी तुम्हारे ससुराल वालों को ये ना पता चले कि तुम्हारी माँ हम दोनों को छोड़ के जा चुकी है। तुम्हारे ससुराल वाले यही जानते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, याद है ना बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है अब्बू, अगर कभी ना कभी ये बात मेरे ससुराल वालों के सामने आ गई तो फिर क्या होगा? अरे नहीं, ना उम्मीद ना बेटा, अब ऐसा सोचना भी नहीं। तुम देखना अब मेरी उम्मीद की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, सिर्फ खुशियां, बस बस बेटा आज के बाद रोना नहीं। अब मेरी उम्मीद सिर्फ मुस्कुराएगी अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए, सिर्फ मुस्कुराएगी बेटा।
तुम्हारा शौहर एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी है बेटा। अगर तुम्हारा शौहर कहे रात, तो कहना रात है। अगर वो कहे दिन, तो कहना दिन है। उम्मीद, कभी भी अपने शौहर के आगे जुबान मत चलाना, उसका हर हुक्म बजा लाना, हर हुक्म। हाँ, अगर तुम्हारी मां होती तो ये सब बातें वो तुमसे कहती, लेकिन मेरी बेटी मेरी उम्मीद बहुत समझदार है। तुमने तो बेटा आज तक उनको भी कुछ नहीं कहा जो जिंदगी भर तुम्हें सताते रहे, लेकिन उम्मीद बेटा एक बात अपने पल्ले बांधता, जितनी मोहब्बत और इज्जत तुम अपने ससुराल को दोगी, बदले में उससे कहीं ज्यादा इज्जत और मोहब्बत तुम्हें मिलेगी। बेटा जब बेटियां रुखसत होती है ना, तो हर माँ बाप यही दुआ करता है कि उनकी बेटियों के नसीब में बस सुख सुख ही सुख हो, हर नेमत उनको मिले। लेकिन उम्मीद ये तभी होता है जब बेटियां खुद भी इसकी कोशिश करें। बस आज के बाद तुमने अपनी सास को अपनी मां समझना है, वो तुम्हारी मां है बस। हाँ, आप फिक्र मत करें, मैं आपकी इज्जत का पास रखूं। शाबाश बेटा, शाबाश, हमेशा खुश रखो। आपने खाना खाया, कैसा लगा आपको? जी अच्छा ही होगा। क्या मतलब आपने खाना नहीं खाया? वो एक्चुअली मैं बड़े का गोश्त नहीं खाती, और गालबन कोरमा बड़े के गोश्त का बना। तो आपने बिरयानी चखी? जी मैंने अभी चखी है, एक स्पून लिया था, लेकिन सेला चावल की वजह से नहीं खा सकी। सेला चावल हलक में अटक रहे थे। जी अब आप एक काम करें ना, सलीम भाई से कहिए कि दुल्हन को रुख्सती की इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल, अब तो उम्मीद आपकी ही है। जी चलो मैं आ। Thank you.
लगता है आपका और मेरा कोई गहरा रिश्ता है। नहीं नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक है। बाय द वे, आप उस दिन वहाँ क्या करने आए थे? सॉरी, आप कुछ पर्सनल सवाल नहीं कर रहे? पर्सनल मैं इसलिए हो रहा हूँ कि मेरा होने वाला ससुराल है, उनके भाई सलीम साहब की बेटी के साथ मेरी शादी होने वाली है, एक हफ्ते बाद निकाह है। सिर्फ एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल और कहो कि तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। ये प्यार व्यार क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद मेरे पीछे मत आइएगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे बाबा की इज्जत सबसे बढ़कर है। यहाँ का मौसम इतना तो अच्छा नहीं हुआ कि तुम फालतू में इधर बैठकर अपना वक्त जाया कर रहे। कैसी है मामा? मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे ये बताओ कि तुम आखिर मेरा दिल क्यों जला रहे हो उस तरह? अब मैंने क्या कर दिया? देखो, जिस लड़की के पीछे तुमने अपना ये हुलिया बना के रखा है, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं थी। मैं जानती हूँ कि मेरी बातें इस वक्त तुम्हें जहर लग रही होंगी, मगर सच यही है। प्लीज बस कर दे, आपने जितनी बातें सुनानी थी मैंने सुन ली ना। नाउ प्लीज, खामखा अपने जबरदस्ती के फैसले मुझ पर मुसल्लत मत कीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा जबरदस्ती के फैसले? मामा, आप यही चाहती है ना कि मैं आपकी पसंद से कहीं और शादी कर लूं? हाँ, मैंने फैसला कर लिया कि मैं लंदन जा रहा हूं। वाह भाई वाह, आपकी बहू की नजर में तो जादू है, पहली नजर में आपके बेटे को अपना दीवाना बना लिया। हाँ तो अच्छी बात है ना, अपनी बीवी का हाथ थाम लिया और अब तो सारी उम्र ही इसे इसको संभालना है। चलते रहे दूर तक गुम गए ख्वाहिशें। वैसे अम्मा, शादी तो बड़ी अच्छी रही है ना? है ना भाभी? जी मामू, माशाल्लाह से आपने इंतजाम बहुत ही अच्छा किया। शुक्रिया बेटा। अरे तो भाई, मुंह लटका के काहे को बैठा है? अदा कर शुक्र, बेटी के फर्ज से सुबुकदोश हो गए। पहली बार उसके बगैर रह रहा हूं, इसमें कुछ फील ज्यादा हो रहा है। लो भला, ये भी कोई बात हुई? हर बाप को ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है।
बेटियों को तो एक दिन पराए घर जाना ही होता है। ये हम बेटियों के माँ बाप भी कितने अजीब होते हैं। पहले अपनी बच्चियों को पालते हैं, पूछते हैं, उनको बड़ा करते हैं, फिर एक ही लम्हे में किसी और के हवाले कर देते हैं और अपनी ही औलाद के लिए पराए हो जाते हैं। क्या हाउसफुल बोल रहे हैं? क्या पराए? किसने कह दिया पराए? कौन हो गया पराया? अब बेटी कौन सा हमने दूसरे शहर में ब्याह के दी है, यहीं तो रहती है, जब भी चाह मिल लिया। अब बेटी ने तो कुछ नहीं कह दिया तुझे ऐसा वैसा? अरे नहीं, मेरी उम्मीद ने तो आज तक मुझे कभी कुछ नहीं कहा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे। हाय हाय, तो फिर गिला किस बात का है? बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमने उसको अपनी जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे थे। चीका है तुमने? तो खुदा का लाख लाख शुक्र है, हैं? तेरी बेटी की इतने अच्छे घर में शादी हो गई, वरना वो उसकी माँ, अरे वो तो पूरी प्लानिंग किए बैठी थी जो उम्मीद को अपने साथ ले जाए। अम्मा, मामू को आपकी ये बात ठीक नहीं लगी, देखा कैसे उठकर चले गए। लग गई तो लग जाए, ये कौन सा किसी का डर है? बाबा को नहीं छोड़ सकती, रहे दूर तक उनसे भी तो प्यार करती हूँ ना। ख्वाब के मोड़ पर आँख बैठी रही, रात आई नहीं क्या कहें। बात टूटी हुई चुप से पूरी जब मिले थम गए। आप भी कभी कर रहे हो आपकी इज्जत का पास रखो। मेरा तुम्हारे और उम्मीद के सिवा और कोई नहीं है, प्लीज। मैं बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबा मैं आपके कैसे रहेंगे? हाँ भाई, वो लिफाफे ले आ जो तेरे पास रखे हैं सलामी के। लेकिन अम्मी, वो तो उम्मीद की अमानत है ना, सुबह जब नाश्ता लेके जाएंगे तो उम्मीद के हवाले कर देंगे। अरे बड़ी आई, उम्मीद की अमानत है, खर्चे करे हम, पैसे ले जाए वो, बस ये क्या। मगर अम्मी, अरे जो कहा है वो सुन, जा ले क्या। तो ये भाभी ना हर बात में तुम्हारी माँ बन जाती है। रहने दे, इसका अरमान ही रहेगा मेरी माँ बनने का, तू बेफिक्र है। अच्छा अम्मा, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। चल जान छोड़ मेरी। वो भी दे। बस यही है। चल। चल के। खुल खुल, पकड़ पकड़। अरे तुम कहाँ चले? अरे मुझे इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है।
बड़ा दिमाग है भाई। हाँ भाई क्या निकला? अरे लम्मा ये कौन कंजूस है? देखा? अरे हाय, अरे वाकई ये कौन है कंजूस? कमबख्त आए तो ऐसे थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में जैसे पता नहीं हजारों रुपल्ली सलामी में देंगे, और निकला क्या? अम्मा कसम से ऐसा लग रहा है किसी फकीर के घर शादी हुई है। ए सलीम ए यहाँ तो आ, ले देख तेरी लड़की को कितनी सलामी मिली है, तू देख ले, बाद में तू कहेगा कि आपा ने सारे पैसे रख लिए। अरे जानती हूँ इस तरफ से सारा खर्चा तूने बेटी की शादी का किया है, मगर फिर भी भाई डेकोरेशन वाले के पैसे, बिजली का बिल बिल, और हाँ वो सुबह तेरी बेटी के लिए एक नाश्ता भी तो लेके जाने शानदार सा। तो मैंने कौन सा इनकार किया है? तुम चाहो तो खर्चे इन सलामी के पैसों से कर सकती हो। हेलो सारे सारे तो ऐसे बोला जैसे पता नहीं लाखों रुपल्ली यहाँ सलामी के रखे। चल खैर तू फिक्र ना कर, मैं रख लेती, इसी से गुजारा कर। चल चल वो वाला लिफाफा खोल जो सबसे ऊपर है। अम्मा इसमें भी है। वैसे उम्मीद की किस्मत कितनी अच्छी है ना, इतने बड़े घराने में रिश्ता हुआ है उसका। एक तू है, अरे तूने हाथ भी मारा तो जाके उस गली के आवारा लुच्चे लफंगे पे, और देख उम्मीद को कैसी बाह है और शरीफों की तरह रही, किस्मत खुल गए। बस रहने दो अम्मा रहने दो, मैं उम्मीद की किस्मत की बात कर रही थी लड़के की नहीं। लड़का वैसे भी एक पैर से लंगड़ा है ना, तुम्हें तो पूरे जहान में एक मैं ही बुरी नजर आती हूँ। मेरा बच्चा इधर आ, इधर आ, इधर आ, दफा हो जा, ये सब इधर दे, दे इधर, लो रखो सारे, ये इधर दे हाथ में, इधर दे, चल चो। ऐ तमन्ना, अरे संभाल इन पैसों को, से पहले